नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दो साल बाद अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर सड़क पर है और इसी बीच आज चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से टेबल पर बैठकर टेंशन को खत्म करने की कोशिश होगी। लेकिन ये कोशिश कितनी कारगर रहती है ये शाम को 5 बजे होने वाली बैठक में पता चल जाएगा। वहीं अपनी मांगों पर अड़े किसानों ने आज पंजाब में रेल रोकने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, पंजाब के सभी टोल प्लाजास को भी आज जाम करने की तैयारी है। सभी टोल जो प्लाजा है वहां उसको फ्री कर दिया गया है। ऐसे में अब सभी की नजरें आज होने वाली सरकार और किसानों के बीच तीसरी बैठक पर रहेगी। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें कि आज फिर क्योंकि बातचीत होनी है शाम 5 बजे, ये तीसरे दौर की बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी है, 1 हफ्ते में ही 2 बैठकें बुलाई गई। पिछले हफ्ते 3 केंद्रीय मंत्री आज बातचीत में शामिल होंगे, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय। हरियाणा के किसान भी इस बैठक में शामिल होंगे, ये भी खबर आ रही है। हालांकि पहली और दूसरी बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला। अर्जुन मुंडा ने कहा कि 90% जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर सहमति बन गई है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं, दीपक दुबे शंभू बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं किस तरह से किसान लगातार मौजूद हैं, अपनी बातें सामने रख रहे हैं। प्रशांत देव को आप देख रहे हैं, मेरे दूसरे सहयोगी, जो कि सिंघू बॉर्डर से, क्योंकि अब तक दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच नहीं पाए हैं किसान, लेकिन फिर भी किस तरह से प्रशासन ने पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है और आम जनता के लिए आज तीसरा दिन कैसा बीत रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पहले दीपक आपके पास आ रही हूँ आज, क्योंकि तीसरी बैठक होनी है और सभी की नजर शाम 5 बजे। हालांकि अर्जुन मुंडा कह चुके हैं 90% बातों पर, मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं, जो असल मुद्दा है MSP पर लीगल गारंटी, क्या सोच रहे हैं किसान? जी, हम किसानों से सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आपको बता दें कि आज शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर बॉर्डर पर, क्योंकि किसान इंतज़ार कर रहे हैं शाम को 5 बजे की बैठक का और उसके बाद जो निर्णय आएगा उसी के हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ करना है किसानों को। हमारे साथ युवा किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, हम सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये सोचते हैं आज की बैठक पर, कितना भरोसा है सरकार पर कि सरकार कुछ निर्णय लेगी, किसान नेताओं जो आपके हैं उनको संतुष्ट कर पाएगी, जो आपकी अलग अलग मांगे, चाहे 3 कृषि कानून को लेकर हो, चाहे MSP को लेकर हो। देखो जी, साडा तो भरोसा हैगा आपके आगुआ से, जे जिमें हम आगुआ ने मीटिंग रखी आ, जे वो 5 बजे सरकार मंगा मन लेंदी है फिर सानू तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है, मंगा तो अं मना है, जे मंगा मन लेंदी है तो अं वापस चले जावे, जिमें कह सू नहीं तो जिमें साड़ी जथेबंदी हुक्म करू असी उदा करा, जे कह पट टप के दिल्ली जाना गा तो असी जावे, सरकार सानू रोक तो सकती नहीं हैगी, जे रोकूगी तो भाई गाह देखी जाऊगा की हुंदा, पहला कड़ा कदे पहली बार जाना है, पहला भी गए हैं कि भी चले जावांगे। लेकिन अभी जिस तरह से फोर्स लगी हुई है बॉर्डर पर, हालांकि आप लोग वहां पर बैठे हुए हैं, आपके तमाम जो किसान भाई हैं वहां पर बैठे हुए हैं, तो बस इंतज़ार है 5 बजे का, या फिर फैसला अगर नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? आज से ही कुछ करने की कोशिश करेंगे या कल से फिर नई तैयारी होगी, रणनीति होगी आपकी? देखो, हम तो पीसफुली बैठे हैं, हम अपनी मांगे सरकार ने मानी हुई है, मांगे लागू करवाना आए हैं, हम तो पीसफुली अपना बैठे हैं। पर जैसे भी जथेबंदी का साडे, जिमें जथेबंदी जथेबंदक लोग हाँ, जिमें साडे आगुआ दे नाल सरकार की मीटिंग चल रही आ, मीटिंग दे लई सद्दा आया, मीटिंग होगी, जो उहदे विचों रिजल्ट आऊगा साडे तक पहुँचूगा, उस तो बाद साडे आगू साडे नाल मीटिंग करनगे, जिमें भी अगे फैसला आऊगा भी अगे दिल्ली कूच करना जां इत्थे धरना लाउणा जां बैरीअर पट्टणे आ, जिमें साडे आगू सानू अगे कमांड देणगे उस तरह ही किया जाऊगा, जे दिल्ली का असर आऊगा तो दिल्ली जावांगे। तो असीं पीसफुल बैठे हाँ, साढ़े कोई ये लोग ऐसी अत्तवादी नहीं है, साढ़े जिहड़े दिखा रहे हैं भी खाड़कू ने, तो पर साढ़े तो देख लो किमें SLR दी इन्होंने गोलियां चलाईयां ने और किमें अथरू गैस के जिहड़े गोले ने दागे जा रहे हैं लगातार, और बार्डर सारे सील करके बैठे ने। मेन हाईवे है 1 नंबर ये जिहड़ा अगे श्रीनगर तक की लेह लद्दाख तक जोड़दा, पर सरकार ने आप ही बंद करके पूरा बैरीकेड करके इहनू बंद करके पूरी इंडिया के नालों एक पंजाब का हिस्सा इन्होंने अलग कर रख्या। की दिखाते हैं यह भी असी बैरीअर दे वड्डे वड्डे ला के पंजाब नू अलग करता, पर असी अपने हक मंगण आए हाँ, हक लैने आ, हकों की खातर साढ़े जिहड़े किसान ने वह कुछ भी कर सकते आ, कुछ भी कर सकते। ये बताइए कि आज रेल रोको किया जा रहा है पंजाब में,
तो इससे क्या ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार पर ज़्यादा दबाव बने, टोल फ्री किया जा रहा है? देखो सारिया जड़िया जथेबंदियां ने उन्हों का आपका निर्णय लिया होया, असं इतने जिस काम लिए आए हैं असी जिहड़ियां साडियां मन्नियां होईयां मंगां ने उन्हां नूं लागू करवाउण लई आए हैं। असी कोई होर नहीं उन्हां दे कोलों कोई भीख नहीं मंगदे, असी आपदा हक मंगदे। वो अन्नदाता जिहड़ा देश दा अनाज दे राहीं भंडार भरदा हैगा, वो देश दा अन्नदाता सड़कां ते बैठा है। वो सारी गलबात जिहड़ी हैगी है जो साडे आगू साहिबान ने मीटिंग करनगे, मीटिंग दे विच जो फैसला तय होगा वो तहत असी अगे वधांगे, जिहड़ी उन्हां दी रणनीति उहदे तहत अगे वधांगे। अगे असी 13 महीने दिल्ली ला के आए हैं, दिल्ली दे विच कोई एक फुल तक नहीं तोड़िया है, साडी एक जाबता जिहड़ा हैगा जाबता कायम है। बहुत साडे नौजवान जज्बाती जरूर ने पर यह नहीं हैगा भी वह जाबते तो बाहर नहीं जाते, कानून हाथ में नहीं लेंगे, नहीं कानून बिल्कुल हाथ के विच नहीं लेंदे। साडे ते वह गोले दागे जा रहे हैं जिहड़े एक बार्डर ते लड़ाई मौके ने। मैं एक गल इत्थे आपदे तौर ते सांझी करनी चाहुंदा, जिहड़े हालात अज बनाए हुए ने बार्डर सील किए हुए ने पंजाब दे, पंजाब एक बार्डर स्टेट है जिदे हिंदुस्तान नालों भी वक्रे बार्डर सील करते उधरों पाकिस्तान दे नाल बार्डर लगता है। अगर रब ना करे कोई पाकिस्तान वालों हलचल हो जाती है तो यदा कौन जिम्मेवार है? साड़ी सुप्रीम कोर्ट नूं, साड़ी हाई कोर्ट नूं, जिहड़े नलायक लीडर ने उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करनी चाहिए है। पहल दे आधार पर कोई गलबात हो जाए सारे मुल्क नूं बर्बाद करवा देंगे, ये कौन इत्थे ची रास्ता दूगा जिहड़े एडे एडे बैरीकेड लाए हुए ने इस हिसाब के नाल। दो बार तो बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक हुई, आज बड़ी बैठक है, 3 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कृषि मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उम्मीद है कुछ होगा या फिर आप लोग अब तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमको जाना ही है? नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आज बातचीत से मसला हल हमारी सरकार मांग लेगी तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो हम अपने घर चले जाएंगे। हमारा रौला तो मांगे का ही है ना, जब हमारी सरकारें मांग लेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। जो टकराव की स्थिति है क्या वो फिर से अगर नहीं मानते, सरकार नहीं मानती है, दीपक तो पूछे पुलिस प्रशासन कि सरकार कह रही है कि उन्हें समय चाहिए, इतनी जल्दी फैसला नहीं लिया जाता किसी भी कानून को बनाने के लिए? सरकार का ये कहना है, केंद्रीय मंत्री जैसा कि आपने सुना होगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके सवालों की जो आपकी जो डिमांड लिस्ट है बहुत लंबी है, तो हमें समय चाहिए उन तमाम चीज़ों पर गौर करने के लिए, उस विचार करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इतना समय देने के लिए किसान नेता और किसान तैयार है? नहीं, जत्थेबंदी जो हमारे लीडर हैं वो बात कर रहे हैं, अगर उसको पता होगा कि समय देना है या नहीं देना है वो तो उसको मालूम है। हम तो जो हमारी जत्थेबंदी हमको ऑर्डर देगी हम उसके हिसाब से चलेंगे। समय देने के पक्ष में है किसान कि 2 साल का समय जो दे चुके वही? नो, देयर इज नो रीजन, करो या मरो, दैट इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल मैच, कोई गुंजाइश नहीं है समय देने का। हम 50 साल से देख ही रहे हैं, तो अब क्या क्या तुक बनती है समय देने के लिए? बोलिए। सो किसान एकता जिंदाबाद, किसान मौजूद हो एकता जिंदाबाद। जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें समय चाहिए क्योंकि आपके सवालों की जो आपकी डिमांड लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है और आप लगातार अपनी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है? देखिए जो आपने उधर बॉर्डर पे देखा क्या हुआ है, आपने बॉर्डर पे देखा क्या हुआ, कितने हमारे लोग फटड़ हो गए, कितने मरे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? अभी क्या तो बनती है, कोई गुंजाइश नहीं है समय देने की, नहीं करो या मरो, दिस इज द फाइनल। आप क्या कहना चाहते हैं? कहां से कोई लोड़ नहीं सानू, असी तो मरना ही मरना है, असी उन्होंने लेके मरांगे, भावें कुछ भी करना पे, लंघना लंघिए, भावें किवें लंघिए, गां लंघना ही लंघना, असा भावें किवें कुछ भी करिए मरना मंजूर है, पिछा हटना नहीं, मरना मंजूर है तो पिछा नहीं हटना किसी गलों में। हूँ भी चलने जो हूँ गां मीटिंग हो जानी है, मीटिंग तो बाद लंघना ही लंघना। अज जो मंगां बारे कह रहे हैं कि सानू समां चाहीदा मंगां ते विचार करन दा, जिद्दे आपां वापस लोक दिल्ली दे बार्डर तों वापस होए आ उदों टाइम दा टाइम नूं किन्ना वक्फा होया, 1.5-2 साल दा वक्फा मंनदे आ जां किन्ने टाइम दा वक्फा, उह टाइम च विचार नहीं कर सके, उही मंगां दा होई ना बच्चे दा इक दो। चलिए दीपक आप बने रहिएगा, दीपक आप बने रहिएगा, मैं वापस आके पास लौट रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से किसान यहाँ पर उनकी संख्या दिनों दिन जो बढ़ रही है उसको लेकर जो सवाल हैं वो भी इनके मन में बढ़ रहे हैं और सभी की उम्मीद आज की शाम को होने वाली बैठक से। आप बने रहे दीपक, मेरे साथ पवन मिश्रा भी बने हुए हैं।